एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी अलर्ट। तो आज मैं फेस स्लिप क्रियॉन का रिव्यू करूंगी और इसमें कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है, ड्राई तो नहीं है इसका फॉर्मूला, कितने टाइम ये स्टे करती है। तो मैं ऑनेस्ट रिव्यू ही करती हूँ, तो आपको रिव्यू देखना है अगर आप लेने की सोच रहे हैं फेसेस क्रियॉन, तो एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए जिससे कि आपको पछतावा ना हो। सबसे पहले हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 799। अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो ये आपको 6700 का पड़ जाएगा। मुझे ये पड़ा है 700 में। इस क्रियॉन का जो शेड है वो 20 है, डार्क ब्राउन है, बहुत ही अच्छा है। मैंने ऑनलाइन देख के ही इस शेड को सिलेक्ट किया और जैसा दिखाया गया था सेम वैसे ही मुझे रिसीव हुआ। आप देख सकते हैं मैंने इसे अप्लाई कर लिया। इसके साथ आपको एक शॉर्पनर दिया जाएगा। पैकिंग मैंने एक्चुअली इसका फेंक दिया जिस तरीके इसकी पैकिंग आई थी, तो पैकिंग काफ़ी अच्छी थी इसकी और शॉर्पनर था। और आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। बहुत ही बटरी है, मतलब फॉर्मूला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। जैसे कई बार होता है कि हम कोई भी मैट क्रियॉन लगाते हैं तो हमें लिप बाम अप्लाई करना ज़रूरी होता है कोई भी लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले, तो लेकिन इसका फॉर्मूला इतना स्मूथ है कि आपको इसमें कोई भी लिपस्टिक के नीचे आपको कोई भी लिप बाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही एक मॉइस्चर का भी काम करेगा, बिल्कुल भी लिप्स ड्राई नहीं करता है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे आपने अप्लाई किया तो 5-10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो आपके जो लिपस्टिक है जो लगाने पे बहुत ही स्मूथ लगेगी। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र हो जाती है मैट में, और ट्रांसफ़र प्रूफ ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ, जितने बार आप इसे टेस्ट करोगे कि ये ट्रांसफ़र कर रही है या नहीं कर रही, हर बार ये ट्रांसफ़र करती है। और जैसे जैसे ये ट्रांसफ़र करती है तो जो कलर होता है वो लाइट होते जाता है। तो ये शेड है, ये हर किसी स्किन टोन पे जाता है, चाहे आप डार्क स्किन टोन के हों या व्हाइट स्किन टोन के हों या मीडियम हो या फेयर हो, हर किसी पे ये यूनिक कलर है। अगर हम बात करें इसके स्टेइंग पावर की तो देखिए, ये कम से कम 7 से 8 घंटे, ये उससे भी ज़्यादा रह सकती है अगर आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं। तो अगर आप ऑयली फूड नहीं खा रहे हैं, आप हल्का फुल्का खा सकते हैं, ड्रिंक ले सकते हैं या फिर आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, फिर भी ये नहीं हटती है क्योंकि ये लिप्स पे क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे एक लिपस्टिक होती है सिर्फ एक परत बना देती है ऊपर से, लेकिन इस तरह से ये नहीं करती, पेनिट्रेट हो जाती है लिप्स के अंदर। यही मेन वजह है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। और जैसे अगर कुछ आप ऑयली खा रहे हैं तो ये क्या करती है, सेंटर से हटती है, तो सेंटर पे एक टिंट छोड़ती है, लेकिन जो आपके किनारे से जो लिप्स के किनारे होते हैं वहाँ पे लिपस्टिक वैसे की वैसी रहती है। तो आपको टचअप देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये हटती तो पूरे लिप्स से हटती तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन सिर्फ सेंटर से हटती है और किनारे पर वैसे के वैसे ही रहती है। तो आपको ये यहाँ पर इसका माइनस पॉइंट है। तो जैसा मैंने कहा कि भाई ये स्मच प्रूफ नहीं है, आप देख सकते हैं स्मच प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसे सेट होने के लिए।